A very good morning, student. Today we are going to discuss about some basic concept of chemistry. तो some basic concept of chemistry में आज हम लोग start करने वाले हैं एकदम basic से. तो definition से start करते हैं. तो चलिए start करते हैं. तो सबसे पहले basic of chemistry में आप लोग देख रहे हैं, chemistry का definition सब लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे. The branch of science which deal with the study of matter and its property, chemical composition of compound are called chemistry. जब हम साइंस के ब्रांच में केमिस्ट्री या फिर कोई मैटर का स्टडी करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं, केमिकल कंपोजिशन जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम से बना है कोई कंपाउंड, जैसे CO2 हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, कंपाउंड क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे. तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में. सबसे पहले केमिस्ट्री का डिफिनेशन आप लोग लिख लेंगे. इसके नोट्स प्रॉपर आपको PDF फॉर्मेट भी मिल जाएंगे और आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन? एंटोनी लेवोजियर को बोला जाता है. फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? यानी केमिस्ट्री के पिता बोला जाता है एंटोनी लेवोजियर का. इनका पूरा नाम एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर था. तो फादर ऑफ केमिस्ट्री याद रखेंगे क्या होता है? लेवोजियर. ठीक है, अगली बात करेंगे दोस्तों हम लोग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. तो स्टूडेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री तीन होते हैं फंडामेंटली. होते तो बहुत हैं, बायोकेमिस्ट्री आपने देखा होगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री देखा होगा, लेकिन हम लोग 12th बेस पे फंडामेंटल केमिस्ट्री की बात करेंगे. तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स. इट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम लोग लिविंग रिएक्शंस का स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम लोग रिएक्शंस का इनऑर्गेनिक रिएक्शंस का स्टडी करते हैं, जैसे सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ हो गया, वो हम लोग देखेंगे आगे. फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन कर लेते हैं. अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग केमिकल्स. जब हम लोग लिविंग केमिकल्स के बारे में यानी बॉडी में कौन सा रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में रिएक्शन करते हैं और स्टडी करते हैं, तब उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और लिविंग कंपाउंड जैसे ग्लूकोज हो गया आपका, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, पाइरूविक एसिड पाया जाता है, बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं. अगर आपकी स्टडी आप अपने लिविंग कंपाउंड को स्टडी करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है. फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जॉन्स जेकब बर्जीलियस हैं. तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखिएगा बर्जीलियस बोला जाता है. नेक्स्ट बर्जीलियस को देख लीजिए आप लोग, ये मोटे तगड़े हैं थोड़े से. बर्जीलियस फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. थैंक यू. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है भाई? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है स्पेशली अगर आप अभी के लिए जानो तो जिसमें कार्बन नहीं होते हैं, लेकिन CO2 का स्टडी इनऑर्गेनिक में किया जाता है. क्योंकि अब कैसे नहीं होता वो बताएंगे हम आपको. जैसे वाटर हो गया आपका, सोडियम हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे NaCl हो गया आपका, CaCl2 हो गया आपका, तो ये सारे कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. मेटल का स्टडी इसमें करते हैं, नॉन मेटल का स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं. फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्फ्रेड वर्नर को बोला जाता है. तो फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्फ्रेड वर्नर है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेवोजियर है. अल्फ्रेड वर्नर को देख लीजिए, थोड़े से पतले हैं. तो आगे बढ़ते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द फिजिक्स एस्पेक्ट ऑफ न्यूमेरिकल केमिस्ट्री लाइक मोल्स, सोल्यूशन, मोलैरिटी इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री. फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विलहेल्म ओस्वाल्ड. ओस्वाल्ड का बुक भी आप लोगों ने देखा होगा. अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है ये विच डील विद द फिजिक्स एस्पेक्ट ऑफ न्यूमेरिकल. इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों. तो न्यूमेरिकल से लेके मोल कैलकुलेशन करते हो आप 9th में, सोल्यूशन देखते हो क्या होता है, दो चीज़ों को मिला दोगे सोल्यूशन बनेगा, होमोजेनस सोल्यूशन होता है, मोलरिटी क्या होता है. तो फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? विलहेम ओस्वाल्ड. ओस्वाल्ड का बुक आप लोगों ने देखा होगा फिजिकल केमिस्ट्री का. विलहेम ओस्वाल्ड क्या है? फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. इनका देख लीजिए फोटो ऐसा दिखता है आपका. अब हम लोग बात करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग नोट्स में अपने, इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में देख रहे हैं आप लोग मेडिसिंस आते हैं. क्या आते हैं? मेडिसिंस आते हैं. जैसे देखिए मेडिसिंस में सबसे पहले आपका पैरासीटामॉल हो गया, बहुत सारे AC लॉक हो गया, ये सारे मेडिसिंस में हम लोग बात करेंगे. जैसे पहला आपका मेडिसिन है पैरासीटामॉल. ये देखिए पैरासीटामॉल पीडियाट्रिक सॉल्यूशन बच्चों को दिया जाता है, घोल इसका. ये आपका पैरासिप के नाम से आ रहा है, देखिए सिप्ला का है ये पैरासीटामॉल टैबलेट है ये. इसका फीवर में काम आता है, फीवर को रिड्यूस करता है. देखिए पैराडॉल के नाम से आता है, ये देख रहे हैं पैराडॉल. अब अगला
ये मेडिसिन पहला था पैरासीटामॉल, दूसरा मेडिसिन है आपका मेफ्कालिस्पार, ये पीरियड्स में कम करता है पीरियड्स को, यानी पीरियड्स में जो ब्लीडिंग आती है उसके दर्द को जो है ना, यूटेरस क्रैम्पिंग को ये कम करता है। मेफनेमिक एसिड होता है इसमें, डाइक्लोमान हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो मेफ्टॉल स्पाज्म का मतलब होता है स्पाज्मोडिक पेन को कम करता है ये, यानी पीरियड्स में जनरली इस्तेमाल होता है ये। नेक्स्ट है एसीलॉक, रेंटिडिन के नाम से आता है। एसीलॉक पेट में गैस को कम करता है, इसमें भी केमिकल्स हैं तभी तो केमिस्ट्री में आ रहा है ये। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया को किल करता है और उसकी ग्रोथ को रोक देता है। तो एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया वगैरह के अगेंस्ट रहेगा तो एंटीबायोटिक बोलेंगे। ये देखिए एंटीबायोटिक को एंटी बैक्टीरियल भी बोलते हैं क्योंकि बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं मेडिसिन। जब कभी हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक कोर्स करने को देता है। ओंडेस्ट्रॉन एक ऐसा मेडिसिन है जो उल्टी में काम आता है, इसका इंजेक्शन देखिए ये है, इंजेक्शन भी होता है हायर केस में, ओंडेस्ट्रॉन का टैबलेट भी है ये, टैबलेट में उल्टी जब आती है तब दिया जाता है ओंडेस्ट्रॉन का। कॉस्मेटिक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉस्मेटिक में जो आपकी लिपस्टिक लिप बाम पता नहीं क्या क्या कौन कौन से बाम होते हैं उसमें यूज होता है कॉस्मेटिक वगैरह में। तो पहला क्या था मेडिसिन में, दूसरा क्या है कॉस्मेटिक यूज में होता है, जितने भी केमिकल्स होते हैं यूज किया जाता है इसका, इसलिए केमिस्ट्री में इसका हम लोग पढ़ते हैं जो कॉस्मेटिक वगैरह में जाते हैं तो उनको केमिकल नहीं मालूम रहता लेकिन नाम मालूम रहता है, उसमें केमिकल से ही बना होता है कॉस्मेटिक चाहिए। फर्टिलाइजर, अब देखिए फर्टिलाइजर कितना इंपॉर्टेंट है, जो इंडस्ट्री में बनता है उसे फर्टिलाइजर बोलते हैं, इसमें नाइट्रोजन होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, एनपीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनपीके क्या याद रखेंगे फर्टिलाइजर में, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम और कैल्शियम सल्फर क्लोरीन ये नॉर्मल क्वांटिटी में होता है। ये देखिए आपका फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर मतलब खाद होता है जनरली जो इंडस्ट्री में बनाया जाता है। अगला है विटामिन, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में विटामिन भी आ रहे हैं। तो विटामिन्स बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन वाटर सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी होता है और फैट सॉल्युबल विटामिन के ई डी ए होता है। देखिए 12 मेन विटामिन आपको दिए गए हैं यहाँ पे, हम लोग विटामिन के बारे में अभी स्टडी नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो विटामिन ए आपका गाजर वगैरह में पाया जाता है, इसमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी से आपका बेरी बेरी होता है, विटामिन ई से जो है डिफिशेंसी हो जाता है आपका, विटामिन ई से कौन सा रोग होता है आपका इनफर्टिलिटी हो जाता है, विटामिन सी से आपका माउथ स्कर्वी हो सकता है, माउथ में अल्सर हो सकता है, विटामिन के से आपका जो है ब्लीडिंग हो सकती है आपको, विटामिन डी आपको नॉन वेज में जैसे मछली वगैरह में मिलता है। तो विटामिन अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि विटामिन इज़ नॉट टॉपिक। तो यहाँ पर टॉपिक क्या है कि केमिस्ट्री में भी विटामिन आते हैं क्योंकि सारे विटामिन केमिकल से बने होते हैं। देख लीजिए आप विटामिन ए बेनिफिशियल, विटामिन बी नाइन, अभी ये लिस्ट है इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, इसके बारे में हम लोग बायोलॉजी सेक्शन में बात करेंगे एक एक विटामिन के बारे में। अल्कोहल, देखिए अल्कोहल भी जो है इसका फार्मूला C2H5OH होता है और यह इम्पॉर्टेंट एक ड्रिंक है, हो सकते हैं इंडस्ट्री खड़ी हुई है बहुत पैसा देती है, जो है टैक्स भी इससे बहुत आता है सरकार को। तो अल्कोहल बनाया कैसे जाता है, अगर केमिस्ट्री की हेल्प ना ली जाए तो अल्कोहल को बनाया नहीं जा सकता, इसलिए हम लोगों ने यहाँ रखा है कि अल्कोहल भी इम्पॉर्टेंट यूज में आता है केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है डिस्क्लेमर, अल्कोहल इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, आपको नहीं पीना है अल्कोहल क्योंकि इससे बीमारी हो जाती है, लीवर सिरोसिस, लीवर ख़राब हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाता है। ये देखिए सिरोसिस, लीवर में बीमारी हो जाएगी, जॉन्डिस हो जाएगा अगर आप ज़्यादा अल्कोहल करेंगे, जॉन्डिस नहीं पी लिया, एंसेफेलोपैथी हो जाएगा, कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा आपको, स्पाइडर एंजिमा हो जाएगा आपको, लैग ऑफ बॉडी हेयर हो जाएगा, मसल वास्टिंग हो जाएगा, विंडेड ब्लड वेसल एसाइटिस हो जाएगा, रेड पॉक्स। देखिए ये लीवर सिरोसिस है आपका, ये नॉर्मल लीवर है और ये आपका डैमेज लीवर है, ये देखिए हेल्दी लीवर नॉर्मल, ये हेल्दी लीवर है, ये डैमेज लीवर है, ये देखिए हेल्दी लीवर डैमेज लीवर, अगर आप अल्कोहल नहीं पीते हैं तो ऐसा रहेगा, हेल्दी लीवर रहेगा और पीते हैं तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट है एलिमेंट, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी तक तो इतना काफ़ी है, 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, थोड़े थोड़े वीडियो डालेंगे हम लोग,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एलिमेंट्स से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एलिमेंट से, एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इन्जॉय करेंगे, इस पर नोट बनाते रहिए। थैंक यू।